बत्रा को फिर से भाजपा प्रत्याशी चुने जाने पर समर्थकों में खुशी की लहर। रुड़की विधानसभा से भाजपा द्वारा प्रदीप बत्रा को प्रत्याशी चुने जाने पर समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई। आपको बता दें कि इस बार भी रुड़की विधानसभा से भाजपा ने प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक प्रदीप बत्रा को ही उतारा है। प्रदीप बत्रा को फिर से भाजपा द्वारा प्रत्याशी चुने जाने पर समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं समर्थकों ने प्रदीप बत्रा को फूल माला पहनाकर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। इस दौरान प्रदीप बत्रा ने भाजपा पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया। प्रदीप बत्रा ने कहा कि इस बार ही नहीं, हर बार चुनाव में चुनौती ही होती है। हर बार की तरह इस बार भी हम घर घर जाकर मिलेंगे लोगों से और यह सीट जीतकर भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे। प्रदीप बत्रा ने कहा कि हमने पहले भी विकास के कार्य किए हैं और आगे भी रुड़की का विकास करेंगे। सीट रुड़की से निकालूं, मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं और शीर्ष नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं, अपने संगठन का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं रुड़की से चुनाव लड़ूं और ये सीट पे विजय हासिल करूं। और सभी का साथ, सबका विकास, सबका प्रयास रहा, इस टिकट में भी और जीत में भी रहेगा। तो एक बार पुनः सबका धन्यवाद करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हर युद्ध एक चुनौती होती है, चुनौती की तरह हम इसको लेंगे और युद्ध को युद्ध की तरह लेंगे और हम युद्ध के मैदान में पहले से ही और काम कर रहे हैं और आगे भी डटकर काम करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे और हर कार्यकर्ता से मिलेंगे, हर वोटर से मिलेंगे और कोशिश करेंगे हर एक के घर तक हम पहुंचे और वोट की अपील करें। और जनता इस बहुत बड़े एक हवन में, मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा यज्ञ में सभी लोग इसमें हवन कुंड में अपनी आहुति देंगे और यज्ञ को सफल बनाएंगे। जनता देख रही है, रुड़की जनता लगातार जानती है कि विकास के काम हुए हैं तो वो जरूर काम आएंगे। विकास की जीत रुड़की की जीत।